शेयर साहब, सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं, अच्छे स्टॉक्स और बुरे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। बुरे स्टॉक्स से आप दूर रहिए, अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उस कंपनी का नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, सेक्टर है ऑटो एंसिलरीज का, और 22 मार्च फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था 345 रुपये पे, 52 वीक लो बनाया था इसने 260 और हाई था 459 रुपये का। और देखिए, मार्केट कैप है इसकी 9046 करोड़, अर्निंग पर शेयर है 13.26 रुपये, पी है इसका 26 का, बुक वैल्यू है 48.47 की, प्राइस टू बुक है 7.12 की, इंडस्ट्री पी है 52 की और डिलीवरेबल है 51%। दोस्तों बता दें कि ये जो कंपनी है, ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सब के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है, अलग अलग पार्ट्स बनाती है। और देखिए, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिक पार्ट्स सच एज स्विचेस, लाइटिंग्स, बैटरीज एंड ब्लो माउल्डेड प्रोडक्ट्स। इट्स प्रोडक्ट्स रेंज इंक्लूड स्विचेस, सेंसर्स, एक्यूटर्स, कंट्रोलर्स, मिरर्स, लाइटिंग, HLL मोटर्स, हॉर्न्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस किट्स, बैटरीज, ब्लो मोल्डिंग कंपोनेंट्स, व्हील कवर, सीट्स, बेल्ट्स, सीटिंग एंड सिस्टम एंड सिगार लाइटर। इट्स टू व्हीलर स्विचेस इंक्लूड हैंडल बार सिस्टम। तो अब चाहे आने वाले समय में, चाहे बैटरी की गाड़ियाँ आवें, चाहे उड़ने वाली गाड़ियाँ आवें, लेकिन लाइटनिंग, मिरर्स, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, और वो सब सारे प्रोडक्ट्स तो उनमें लगेंगे ही लगेंगे। तो इनके प्रोडक्ट्स आने वाले समय में ज़बरदस्त बिक्री होगी ही होगी। चलिए हम बताते हैं कि किस क्वालिटी कंपनी। देखिए, गुड क्वालिटी कंपनी है, सेल्स ग्रोथ है 34.92% की, EBIT ग्रोथ है 66.07 की, और नेट डेट टू इक्विटी है 0.46 की, मतलब एक के रेशियो से कम है, और डिविडेंड पेइंग रेशियो 7.86% है। वैल्यूएशन है अभी एक्सपेंसिव पे, और ROCE है इसका 19.79 की, ROE है इसका 19.21% के। तो अभी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। अगर आपको थोड़ा सा गिरावट आती है इस पे किसी कारण की वजह से, तो अगर आपको फेयर पे ही मिलता है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी है और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। चलिए हम अभी रिटर्न्स भी आपको दिखाएंगे। देखिए, फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, और रिटर्न्स पे हम चलते हैं। 10 सालों में इसने 5435% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। आप समझिए, 2 लाख रुपए लगाए होते तो 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट हो गई होती। 5 सालों में 85% के रिटर्न है, 4 सालों में 800% के रिटर्न है, 3 सालों में 400% के रिटर्न है, और 2 सालों में 138% के रिटर्न है। 1 साल में नेगेटिव यहाँ पे है 1.60 की, ईयर टू डेट में 6.5% की अपसाइड है पॉजिटिव में, 6 मंथ्स में नेगेटिव है 8.40 की, 3 मंथ्स में 6.66 की अपसाइड है, 1 मंथ में 8.92 की अपसाइड है, और 1 वीक में नेगेटिव है 7% के आसपास, 1 डे में भी करीब 1.61 की नेगेटिव में रिटर्न है। तो उस हिसाब से हम नेगेटिव में रिटर्न क्यों, देखिए क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, तो यहाँ पे जो है नेट सेल्स में इनकी 3.39% की डाउनसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 4.5% की डाउनसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी 4.5% के करीब डाउनसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इनको जो है 0.17% की थोड़ी सी डाउनसाइड है क्वार्टर के रिजल्ट में, 17 से दिसंबर के 18 के। आइए हम एनुअल भी देख लेते हैं। देखिए, एनुअल में मार्च 17 से मार्च 18 के जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं नेट सेल्स के, 24% की अपसाइड थी ज़बरदस्त। नेट प्रॉफिट में भी 42% की अपसाइड थी। नेट प्रॉफिट में भी जो है 87.80% की अपसाइड थी। तो एनुअल रिटर्न अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 1.53% की अपसाइड है। और शेयर होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स के पास 70% के से ज़्यादा की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड्स की 9 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं, FIIs की 83 लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, और इंडिविजुअल हैं, खुदरा ग्राहक 9.1% के आसपास हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, देखिए 11 जुलाई 2018 को 1.60 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने डिविडेंड दिया था, लाभांश दिया था, और
अपनी इंडस्ट्री में फिफ्थ नंबर की कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है ऑटो इंसलिस की, और प्राइवेट हाउस है, 1992 से ये काम कर रही है। दोस्तों ये जो स्टॉक है ऑब्वियसली इतने अच्छे रिटर्न इसने 10 सालों में दिए हैं, और 4 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में भी अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। आने वाले समय में इनकी भारी डिमांड रहेगी, तो मैं कहूँगा कि हर गिरावट में आप बाइंग करते जाइए। और मैं फिर से एक बात ये कहना चाहूँगा कि कभी भी पूरा पैसा आप एक स्टॉक में कभी ना लगाएं, अपने पोर्टफोलियो की अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे बैंक हो गए, ऑटो इंसलरीज की हो गए, है ना, ऑटोज़ की हो गई, और FMCGs की हो गई, पेंट्स की हो गई, तो हम अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक के बारे में बताते रहते हैं। जिसमें आपको चुनना हो अच्छी अच्छी गुड क्वालिटी कंपनी, एक्सेलेंट क्वालिटी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते रहें और पैसे बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।